आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या था। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख लेते हैं भाई, कितना दिया गया है 48 रुपए, ठीक, और कितने प्रतिशत की हानि होती है भाई, 20% की, 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 48 रुपए मतलब विक्रय मूल्य का 100 बटा 100, हानि हो रही तो 100 में से घटा दो 20, अगर लाभ होता तो 100 में जोड़ देते 20, समझ गए ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 में से 20 घटाओ, क्या आ जाएगा 80, 10 से 10 ये कट जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, तो क्या हो जाएगा 6 × 10 का मतलब 60 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, खरीद मूल्य 60 रुपये है और 48 रुपये में बेच दिया तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, 20% की हानि होगी, समझिए, तो क्रय मूल्य 60 रुपये। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कह रहा प्रश्न कि इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य 60 रुपये है और 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य हम ज्ञात करना है, कैसे होगा भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये, क्रय मूल्य का 100 लाभ कमाने के लिए बोल रहा ना, तो 100 में जोड़ दो बटे 100, 60 गुणे 100 में से 100 में 20 जोड़ दो तो 120 हो जाएगा भाई, 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 72 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, अगर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 72 रुपये। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 72 रुपये। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।